हाय फ्रेंड्स, आज हम कैनन का 2870 3300 2830, इस सारे मशीन में जो ये आधार कार्ड आता है, ये आधार कार्ड इसको टू साइड एक साइड में कैसे करेंगे, जैसे इस तरीके का मैंने किया हुआ है, तो इसका पूरा सेटिंग और कैसे इसको करना है तो मैं पूरा डिटेल्स में इसमें आपको बताऊंगा, और सेटिंग भी कैसे करके इसके होम स्क्रीन पर आप रख सकते हैं वो सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब देखेंगे कि मैं इसको कैसे कैसे सेटिंग करूंगा, तो आप भी आपके मशीन पे उसी तरीके का सेटिंग करके आप आधार कार्ड जो एक क्लिक में टू साइड और फ्रंट साइड में कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, तो इस तरीके का वीडियो मैं हर हमेशा डालता रहता हूँ चैनल पे, तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता लगेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। ठीक है, तो अभी हम शुरू करेंगे इसको कैसे करना है। तो पहले हम मशीन के होम स्क्रीन पर आएंगे, तो यहाँ पे एक देखे लिखा हुआ है स्पेशल फीचर्स। ठीक है, तो हम स्पेशल फीचर को टच करेंगे। अब स्पेशल फीचर को टच करने के बाद में यहाँ पे आया है इमेज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो इसको इमेज कॉम्बिनेशन को टच करेंगे। तो यहाँ पे अगर आपका A4 A4R A3 शो कर रहा है, तो यहाँ पे AB साइज को टच करके तो आपको इस टाइप का लेटर लाना है, LTR LTRR ये सब लाना है। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है लीगल LGL, तो फिर उसको करना है नेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पे आना है टू ऑन वन बे, उसके बाद करना है नेक्स्ट। तो यहाँ पे आपको कोई एक ट्रे A4R पे सिलेक्ट करना है। तो जैसे कि अक्सर हमेशा होता है, तो एक ट्रे A4 और एक ट्रे A4R में सेटिंग होता है, तो हमारा सेकेंड ट्रे A4R पे सेटिंग है, तो सेकेंड ट्रे A4R सेटिंग कर दी। अब इसको ओके कर देंगे, तो फिर से मैं इसको डाउन कर रहा हूँ। ये आपका हमारा बस इसी रहेगा, और अभी आपको रीसेट नहीं करना है वो इसी इसी पोजीशन पे। तो आपको फिर करना क्या है, तो फिर कॉपी रेशियो पे जाना है। ठीक है, तो कॉपी रेशियो पे जाके तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए XY जूम पे जाना है। तो यहाँ पे एक्स में 59, वाई पे 59 है। ठीक है, तो एक्स पे 59 है, वाई में 59। तो एक्स में आपको करना है 104% करना है, और वाई पे करना है आपको 85 85। ओके, तो इसको यहाँ पे आपको ओके करना है। तो ये आपका सिलेक्टेड ये AC रहेगा, आपको रीसेट नहीं करना है। ठीक है, आपको बार बार बोल रहा हूँ रीसेट नहीं करना है, तो रीसेट करने से सेटिंग खराब हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सेटिंग आ गया। तो फिर इसी सिचुएशन इसी सेटिंग पे जाएंगे, स्पेशल फीचर में फिर से जाएंगे और नीचे यहाँ आ जाएंगे, देखेंगे मोड मेमोरी। सारे में आता है मोड मेमोरी, किसी में फर्स्ट पेज में आता है, फर्स्ट स्क्रीन पे आता है, किसका सेकंड स्क्रीन में आता है, तो सेटिंग से बरोबर सबका यही होगा। ठीक है, तो आपको बस इसको देख के पढ़ के करना है। तो मोड मेमोरी पे मैं जाऊंगा, तो मोड मेमोरी में जाने के बाद में यहाँ पे M1 M2 अप टू A9 तक आप किसी पे भी सेटिंग कर सकते हो। अगर आपका ये दो तीन आपका सेटिंग हुआ है पहले से, तो आप M5 कर सकते हो। तो मेरा अभी कुछ भी सेटिंग नहीं है, तो मैं पहले M1 पे करता हूँ। M1 पे किया तो यहाँ पर लिख रहा है क्या, नॉट स्टोरेज। तो आपको हमको करना है अभी रजिस्टर नेम, तो रजिस्टर नेम आप कर सकते हैं या फिर बिना नेम के भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे नेम कर देता हूँ, तो स्क्रीन पे रहेगा तो अच्छी माने दिखेगा आपको। तो शिफ्ट में जाता हूँ, आधार ए सॉरी ए आपका डी ए डी एच ए, और आपको स्क्रीन पे यहाँ आधार सेट कर देना है। ठीक है, तो उसके बाद में यहाँ ओके कर देना है। तो ओके कर देने के बाद में यहाँ पे आप देखिए M1 पे आधार आ गया, तो आपको रजिस्टर ऊपर यहाँ देखिए रजिस्टर लिखा हुआ है, रजिस्टर S, तो ये अभी आपका रजिस्टर हो गया। तो उसके बाद में आपको करना है ओके डन। ठीक है, तो उसके बाद में आपको यहाँ कर देना है रीसेट। ओके, ये आपका खत्म हो जाने के बाद में आपको फिर वापस से जाना है, यहाँ पे एक एडिशनल फंक्शन का बटन दिया है। ठीक है, एडिशनल फंक्शन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आएंगे कॉपी सेटिंग। कॉपी सेटिंग के बाद यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है स्टैंडर्ड Q1 सेटिंग नो सेटिंग। अगर कोई सा सेटिंग आप कर दिए होंगे तो यहाँ पे सेटिंग पे दिखता होगा, अगर आपका कुछ सेटिंग नहीं होगा तो नो सेटिंग। आप वन पे हो या टू पे हो, किसी पे भी आप कर सकते हैं, मैं वन पे करूंगा। ठीक है, टच किया, टच करने के बाद में इस टाइप का ऑप्शन आएगा। तो अगर आपका कुछ सेटिंग रह गया है, क्लियर नहीं हो रहा है, तो उसी तरीके का सेटिंग करके यहाँ पे नो सेटिंग करके ओके कर देंगे, तो वो आपका सेटिंग वहां पे कट जाएगा। तो अभी इसको करके आपको नीचे पूरा नीचे नीचे आपको आना है,
देखना है कहाँ पे लिखा हुआ है मोड मेमोरी। ये देखिए यहाँ पे आ गया मोड मेमोरी। अभी मोड मेमोरी को टच करना है, तो अभी M1 को सिलेक्ट करना था, M1 को सिलेक्ट कर दिया, ठीक है, क्योंकि M1 पे हम वहाँ रजिस्टर किए थे, ठीक है, तो M1 सेटिंग कर दिए, तो M1 के बाद ओके करना है आपको। अब इसके बाद में डन करना है, डन करना है। ये आपका देखिए यहाँ पे M1 पे और स्टैंडर्ड Q1 पे मैंने सेटिंग किया था, तो आधार कार्ड आपका स्क्रीन के ऊपर होम स्क्रीन पर आ गया, ठीक है। तो अब हम आधार कार्ड करेंगे कैसे, मैं आपको दिखाऊंगा। अब हम इसको कैसे करेंगे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी आपको करना कैसा है, अभी ये जो आधार लिखा हुआ है तो इसको आप खाली टच कर देना है, ठीक है, बाकी आपका सब सेटिंग ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो आप अपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से यहाँ पे अगर चाहें तो उसी सेटिंग के वक्त आप जो सेटिंग आधार का जो लाइट और डार्क अब एडजस्ट कर सकते हैं, या फिर इसको आप ऑटो रख सकते हैं, क्योंकि आपके हाथ में ऑटो में रहने से आपके हाथ में होता है कि कोई आधार कार्ड का फोटो खराब होता है अच्छा होता है, तो इस हिसाब से आप एडजस्ट करके कॉपी कर लेना है, ठीक है। तो अभी मैं इसको कर दिया, आधार टच कर लिया और थोड़ा डेंसिटी भी मैंने कमा दिया हुआ है पूरा। तो अभी इसको प्लेस करना है, देखिए अभी इसको यहाँ पे टॉप साइड मिड के साइड में आपको सेटिंग में रख देना है, ठीक है, 2870 देखिए रख दिया। अब इसको डाल देना है, अब डाल देने के बाद में अभी हमको करना है स्टार्ट। अभी जब स्टार्ट खत्म हो गया, यहाँ पे डॉन लिखा आएगा, देखिए डॉन आ गया, मतलब आपका स्कैनिंग खत्म। तो फिर आपको ऊपर उठाना है और इसको पलटाना है, सेम प्लेस में पलटा के इसको रखना है, ओके। तो रखने के बाद में फिर आपको आना है, फिर स्टार्ट बटन मारना है, अब आपका दोनों साइड स्कैन हो गया। अब स्कैन हो जाने के बाद में आपको करना क्या है, डॉन अभी देख सकते हैं आप, इस तरीके का सेटिंग आपका होके निकलेगा, ठीक है। तो ये आपका सेटिंग होके निकलेगा, इसको आपको आपको और एक बार पलटा के इसको बाईपास में नहीं देना है, ये ऑलरेडी होके वन क्लिक पे आएगा, ठीक है। उम्मीद है हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट शेयर करें, और अगर कुछ जानकारी जानना चाहते हैं तो हमारा डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट नंबर, तो आप उससे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, सिर्फ व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। आपका जो भी कंप्लेन है आप व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं उसको देख के आपको जवाब दूंगा, ठीक है। थैंक यू।